पार्टी। देखो आप पता है वीडियो में आते पर प्रैंक हमारे साथ में मेरे से। अच्छा मोमोज कैसे थे? बहुत मस्त मस्त ना मिर्ची की चटनी। सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट भी मोमो बढ़िया बहुत है बढ़िया। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अभी गिरिगंगा में और आज क्या हुआ पिछला बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो आज हम दूसरा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जो कि है ये मोमो ऑन व्हील्स। अभी मैं कर रहा हूँ 90 डेज बिजनेस चैलेंज और देखते हैं कि हम इस 90 दिन में क्या कमा सकते हैं और कैसे। उसके लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा तो आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बस यहाँ पे सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद देखते हैं कितने कस्टमर्स आते हैं, नहीं आते तो फिर सड़कों पे बेचेंगे, कहीं भी बेचेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है। आप लोग बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, देखना कुछ इंटरेस्टिंग होगा या फिर से फेल होगा। फेलियर से तो देखते रहेंगे, फेलियर से तो आगे बढ़ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। चलो अब मैं फटाफट से इसका फुल सेटअप कर लेता हूँ। मौसम थोड़ा ख़राब सा भी है, भगवान बारिश मत कर देना आज, मेरे बिजनेस आइडिया पे पानी मत फेरना। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से इस सेटअप के बाद। तो गाइस सेटअप लग चुका है, शायद इतना भी बिक जाए तो मेरा लक है, अगर नहीं बिकेगा तो फिर खत्म। भाई स्कूटी ने ना बहुत साथ दिया है, मतलब चार धाम बोलो, उत्तराखंड बोलो, हिमाचल बोलो, हर जगह घूम गई है और अभी मेरा बिजनेस में भी साथ देगी। लेट्स सी अपने को क्या और आगे करने को मिलेगा। पता नहीं लोग बोलेंगे पागल है कुछ भी कर रहा है, बट कोशिश करना ज़रूरी है, कोशिश करके ही पता चलेगा कि क्या होगा। चलो अब ना कस्टमर्स का वेट करेंगे, जब कस्टमर आएंगे तो फिर वो दिखाऊंगा। अगर आए भगवान, आज एक दो कस्टमर तो बुलाई दे, बोनी करवा दे बोनी। और मैं खड़ा भी ऐसी जगह पे हूँ ना जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती ही रुकती है, आती ही आती है। ये देखो यहाँ से सीधा ऊपर दिखता है ऊपर, और ये है वो चट्टान जहाँ पे लोग आके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ा है भाई, इतना दिमाग यूज़ किया है, पता नहीं अब वो दिमाग कितना ही चलेगा। चलो मिलते आगे, अब जब कस्टमर मिलेगा कोई तो उस टाइम बनाएंगे। तो गाइज अभी हो गया है मेरे को ऑलमोस्ट एक घंटा, कोई नहीं आया, मतलब पीछे को गए, इधर को कोई नहीं आया, जो इधर को आया दो गाड़ियाँ वो चली गई, पर कोई नहीं, पेशेंस रखेंगे। मैंने कहा ना पेशेंस नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, कल फिर ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे, रुकेंगे नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैं बैठा हूँ, भगवान ने सुन ली, मौसम था साफ, यही तो मेरे को चाहिए था, पीस शांति। और उस पर अगर थोड़े से पैसे बन जाए तो अलग बात है, मेहनत करके तो कर ही सकते हैं ना। तो चलो अभी बैठे हैं, देखते हैं अगर कोई कस्टमर आता है, नहीं आता है तो सड़कों पे बेचना होगा। नहीं बेचेंगे सड़कों पे यार, एक और आइडिया मेरे पास, फिर आइडिया मतलब यही कि मोमोज ही, लेकिन लोकेशन चेंज होगी फिर। A few moments later. Finally, I have some customers, clients. देखते हैं, उन लोगों ने दो प्लेट ऑर्डर तो किया है, अभी वो वहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे हैं एंड मैं यहाँ पे अब मोमोज गर्म करने का काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसके ऊपर। तो गाइज मेरे आगे है और कस्टमर्स, दो भाई लोग नावर से, तो ये अभी मंदिर आए थे और इनको भी खाने हैं मोमोज। तो लेट्स सी आज की बोनी तो हो ही जाएगी, क्यों भाई लोग तो कर ही देंगे। चलिए अब इनके लिए लगाते हैं मोमो। मिर्ची ज़्यादा तेज तो नहीं है गाइस, आज की पहली बोनी हो गई है, किसी को बताना मत। ठीक है आज की पहली बोनी हो गई, मज़ा आ गया थोड़ा सा, अभी देखते हैं इसके बाद और भी होगी तो रुके रहेंगे यहाँ पे जब तक और बोनी नहीं। ये है हमारे कस्टमर्स और ये आए, इन्होंने मोमोज खाए, कैसे लगे मोमोज? बहुत बढ़िया मोमोज थे आपके, मस्त स्पाइसी है, मिर्ची मत क्यों शर्म आती है, अब खड़े तो हो ही सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं भी तो जुब्बल से हूँ, देखा नहीं आपने कभी? निकालो फोन, निकालो, फेसबुक कौन यूज करता है, उन्होंने देखा है वहाँ, देखो उनको पता है, और आपने बताया नहीं इनको
बताओ बताओ नहीं अभी फॉलोअर्स बढ़ाने ना मेरे को यार, इतना तो करना पड़ेगा, इन लोगों को फॉलोअर्स बनाना ही पड़ेगा मुझे। चलो सब ओके गाइस, तो मिलते हैं आप लोगों से अब, ठीक है? जरूर वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? अच्छा मोमोज कैसे थे? बहुत मस्त, मस्त ना, मिर्ची की चटनी धुआंदार। चलो ठीक है गाइस, बाय, मिलते हैं। बाय बाय, सी यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अभी आ गए अपने पांच यंग कस्टमर्स जो सीधा ही ये बड़ा अरे कितना ही बड़ा, 100 साल का तो नहीं होगा क्या एज आप लोगों की अभी? किस एज रेंज? 21 साल के हैं सभी, 21 ही ऑल बॉयज, 21 बस। एक बच्चा हमारे बीच, एक बच्चा लगता मैं हूं लेकिन हूं नहीं, ये ठीक है। तो मेरी एज कितनी लग रही है? आप तो यंग ही लग रहे हो यार, 24। I'm 30. I'm 30. देखो आप पता है वीडियो में लोग आते पर प्रैंक हमारे साथ में। नहीं नहीं सच में I'm 30 यार। सच में 30. सब्सक्राइबर्स को डिस्काउंट भी है। बढ़िया है। बढ़िया। कैसे लगे मोमोज? बहुत प्यारे हैं। प्यारे? प्यारे? बहुत प्यारे। अभी तो नहीं कहता प्यारे। I love you बोला मोमोज ने। मोमोज प्यार। कैसा लग रहा है तुम लोगों को ये खा के मोमोज? बहुत अच्छा लग रहा है, घर का स्वाद था एकदम, और मेरे से बात करके मजा आ गया और अच्छा। तो गाइस अभी ये लोग जा रहे हैं मंदिर, अभी वापसी आएंगे तो भी रुकेंगे, इनके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। अगर मैं यहाँ पे हुआ तो अभी आप लोग जा सकते हैं, सांस ले, सांस लेते रहो और चलते रहो। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। ओके बाय। जैसा मैंने बोला था, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होने के बाद चीजें चल पड़ती है। हाय, बहुत रिलैक्स फील हुआ कि चलो कुछ ना कुछ तो बिका, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो जब भी अगर आपको आना है गिरिगंगा मोमोज खाने हैं तो आओ गिरिगंगा इस चट्टान के पास, यहाँ पे मिलूँगा मैं मोमोज लगा के अपने। कभी भी किसी भी वक्त ज़रूर आना, आज तो पैसा ही पैसा हो गया, फुल पावर पैसा, मोटा ही पैसा। ये अफसाना इन लम्हों में खो गए हम, घायल थे इन लफ्जों में खो गए थे हम, अनजाने अब दिल में तुम हो छुपे, हम हैं सहर की परछाइयां तेरे सांसों की, रात है तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाऊँ तो मैं क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। तो ये 90 डेज चैलेंज करने का रीज़न ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप करना चाहते हो ना तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये शर्म को भूल जाओ, जिस जो भी तुमने शर्म कर ली ना फिर तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। तो अभी देख लो, अभी तो सारे कस्टमर्स जा चुके हैं, अभी कुछ कस्टमर्स का वेट कर रहा हूँ। आज मेरे को पता चला कि अगर आप पेशेंस रखते हो ना किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ आज नहीं तो कल होगी, होगी ज़रूर। तो अगर आप लोगों को भी लगता है ऐसा तो कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। किसी के भी दिमाग में और कोई बिज़नेस आइडिया तो बताना। अभी तो फिलहाल मैं 90 डेज़ बिज़नेस चैलेंज कर रहा हूँ, देखते हैं 90 डेज़ में कितना कमाएंगे, और इसके बाद मैं शाम को काउंटिंग भी बता दूंगा कि मैंने कितना आज सेल किया। गाइज अभी बज रहे हैं 3:30 और फिर से मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है। तो अभी तक कि मैं अगर आप लोगों को बता दूँ सेल, तो वो है 650 रुपये 90 डेज़ बिज़नेस चैलेंज का। पहले दिन की पहली अर्निंग 650 रुपये, बहुत ज़्यादा पैसा है भाई, इतना पैसा तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा, पर जितना भी है मेहनत का है ना, तो खुश रहना सीखो भाई, खुश। तो गाइज अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, अब घर जाके तैयारियाँ भी करनी है। तो आज का दिन ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा, ठीक है, पहले दिन का जितना भी है 650 रुपये वो भी बहुत है, स्टार्ट छोटे से ही होता है। तो लेट्स सी, कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे, कंटिन्यू करेंगे इस 90 डेज चैलेंज को, और आप लोगों को भी अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना मत। मैं मिलूंगा आप लोगों से आगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।